स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आज सेट 14 की। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इस चैनल पे प्रतिदिन एक सेट जो कि 50 प्रश्नों का करवाया जा रहा है, लुसेंट बेसिस से सभी के सभी प्रश्न, और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अभी कुछ दिनों से नहीं पूछा जा रहा था, आज फिर से एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्का जारी करने वाला कौन था, मतलब किसने जारी किया था। तो सही आंसर बताना है आप लोगों को, क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे हिंद यूनान, ठीक है, हिंद यूनान, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पूछा यहाँ पर है कि शक के प्रथम राजा कौन थे। तो हम आपको बता दें शक के प्रथम राजा मौ थे, मौ मौ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आप लोगों से, विक्रम संवत कब स्टार्ट करवाया गया था। तो विक्रम संवत कब स्टार्ट करवाया था, तो 58 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, नाम याद रखिएगा 58 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पूछा गया, शकों के सबसे प्रतापी राजा कौन थे। तो शकों के सबसे प्रतापी राजा है रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम नाम याद रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम, ठीक है, रुद्रदामन प्रथम। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पूछा गया आप संस्थापक थे कुजुल कडफिसस, ठीक है, कुजुल कडफिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पूछा गया 6 नंबर की शक संवत कब प्रारंभ किए गए थे। 78 ईस्वी में भारत सरकार यही अपनाई हुई है, ठीक है, शक संवत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो धर्म के चौथी संगति के अध्यक्ष बसु मित्र, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है कि बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभाग महाविभाग मित्र ने ही लिखा है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बसु मित्र हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर आप लोग नहीं नागार्जुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन तकनीक का आविष्कार हुआ था, तो सबसे पहले चीन में हुआ था, कहाँ हुआ था, चीन, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर पूछा गया है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, और पहला महाद्वीप कौन है, पहला महाद्वीप जहाँ हम लोग रह रहे हैं एशिया, ठीक है, क्या है विश्व महादेश में 3 रेखा विश्व है, तो ये अफ्रीका से गुजरती है, ठीक है, तीनों के तीनों रेखा किस महादेश से गुजरती है, तो अफ्रीका महादेश, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से 13 नंबर में है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो कि यही अफ्रीका में है नील नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर पूछा गया है अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली, कांगो, रखिएगा, कांगो नदी दो बार काटती है विषुवत रेखा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है, ठीक है, मकर रेखा को दो बार काटने वाली लिम्पोपो, नाम याद रखिएगा क्या। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो अफ्रीका के घास के मैदान को बोलते हैं सवाना, ठीक है, सवाना घास के मैदान, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर पूछा गया है अफ्रीका का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है कि अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं। तो अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को बोलते हैं बेल्ट, बेल्ट कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से 19 नंबर में कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है वो है स्वेज नहर, कौन सी नहर, स्वेज नहर, नाम याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए स्वेज नहर बन के तैयार हो गया था 1889 में, ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 और पूछा गया है शेयर बाजार राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की गई है 1951 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से 22 नंबर में कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 24 और पूछा गया है भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, सॉरी यहाँ पे 23 नंबर पूछा है विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार कौन है। तो विश्व का सबसे पहला शेयर संगठित बाजार है वो है एम्स्टर्डम, जो कि कहाँ है, जो कि है
एम्स्टर्डम, और ये कहाँ है, नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आप लोगों से है 24 नंबर में कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो देखिए, भारत का पूरे वर्ष, एक वर्ष का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से 26 नंबर में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र थे वो भी, वो थे सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख, ठीक है, नाम याद रखिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है 27 नंबर में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो आप लोग को याद होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा गया आप लोगों से है भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है 29 नंबर की 40 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच कितना कोण होता है, सॉरी कितना प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो हम बता दें आपको कि 360 में कितना से भाग देना है, 4 से, यानी कि 40 से 4 9 36 और 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति, 8 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 30 नंबर में कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं। तो साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 33 नंबर में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हम आपको बता दें बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 34 नंबर में कि तारे टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं। तो अपवर्तन नाम याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है कि हीरे का चमकना किसका उदाहरण है। तो हीरे का चमकना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से हीरे का चमकना हो गया है मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है तंतु, प्रकाशिक तंतु का, ठीक है, प्रकाशिक तंतु का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है अजायब घर। तो सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है, कोलकाता, याद रखिएगा, कोलकाता में सबसे बड़ा अजायब घर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। तो स्टेज कौन, यूनिटी नाम याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है। तो में पड़ता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सबसे बड़ा लिवरपूल हो गया है, उसके इंदिरा गांधी नहर है आपका, जी हाँ, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से है स्टेडियम। तो सबसे विशाल स्टेडियम है युवा भारती, जो कि कहाँ है आपके, पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर सबसे विशाल स्टेडियम के बाद कि सबसे लंबा मार्ग कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है क्वेश्चन कि सबसे लंबा बांध कौन है। गोदावरी नाम याद रख, पूछा गया आप तो ये बना है रूस, ठीक है। तो आप लोग को एक दिन के लिए स्कूल कॉल। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया 49 नंबर में महिलाओं की भागीदारी ओलंपिक में कब से हुआ है। सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।